धार्मिक आयोजन की आड़ में शराब पार्टी करते मुजफ्फरपुर के डिप्टी पोस्ट मास्टर शराब के नशे में गिरफ्तार। धार्मिक आयोजन की आड़ में शराब पार्टी करते प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर के डिप्टी पोस्ट मास्टर शराब के नशे में गिरफ्तार। मौके से एक अन्य कर्मी भी हुआ है गिरफ्तार। इंस्पेक्टर जिला उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की पुष्टि की। प्रधान डाकघर में छापेमारी कर वहां हनुमान आराधना की आड़ में शराब पार्टी कर रहे एक डिप्टी पोस्ट मास्टर दीनानाथ प्रसाद और एक अन्य कर्मी अभय कुमार को शराब पीते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि कल अवकाश का दिन होने के बावजूद भी बिना अनुमति लिए हुए धार्मिक आयोजन के नाम पर सैकड़ों लोगों को जुटाकर अवैध रूप से एक शराब पार्टी की जा रही थी और यह चर्चा बहुत दिनों से जोरों पर थी कि शहर के प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर में अक्सर शाम को शराब पार्टी की जाती है और आज उत्पाद विभाग को शराब पार्टी की जाने की सूचना मिली, जिस पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए दो कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई किया जा रहा है। जिला उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने किया है गिरफ्तारी पुष्टि और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। नववर्ष के अवसर पर मद्य निषेध विभाग द्वारा कल सुबह से लेकर देर रात्रि तक छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान संध्या के समय एक गुप्त सूचना मिली कि जो मुख्य डाकघर है कंपनी बाग में, वहां पर एक शराब पार्टी का आयोजन किया गया है। तो घटना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु छापेमारी दल के साथ मेरे नेतृत्व में प्रधान डाकघर पहुंचे और डाकघर परिसर के अंदर जो कैंटीन वाला एरिया है वहां पर कुछ लोगों को देखा। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा हंगामा हो रहा है और कुछ नशे की स्थिति में पाए गए। तो ब्रेथ एनालाइजर मशीन के साथ घटनास्थल पर जांच किया गया और इनमें से दो व्यक्ति जो खुद को पोस्ट ऑफिस के कर्मी बताए एवं पूछताछ में ये बात साबित हुई, इन्होंने सेवन कर रखा था। तो पुष्टि होने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर के थाना लाया गया। कागजात तैयार किया जा रहा है और कागजात तैयार के पश्चात आज कोर्ट में इन दोनों को प्रस्तुत किया जाएगा। छानबीन की गई परिसर में कि किसी तरह का कोई रैपर वगैरह कुछ प्राप्त हो, परंतु इस तरह की कोई भी वस्तु नहीं मिली है। तो इससे परिसर में सेवन की पुष्टि नहीं हुई।